विभो, नहीं रात हो गई है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम शतरंज और शराब में डूबे हुए हो। कमान आम कमी चल, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। आप रात भर घर का है ना ही आए हाँ? अरे देख रही हो, शतरंज की बिसात बिछी पड़ी है, रात की बाजी अभी तक चल रही है। आप हजरात यहाँ मस्तियाँ कर रहे हैं और हमारा यहाँ हाल बुरा है। नचासी हो तो नाच दो। जब तक आप हमारे पिछले प्रोग्राम का भुगतान नहीं कर देते, गुलफाम कली नहीं नाचेगी। हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है। अगर आपने हमारे पैसे नहीं दिए तो आप सबको दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। हम हमारी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं और आप हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं। आप दोनों भी उन जालिम इंसानों में से एक हैं जो एक औरत को खिलौना समझते हैं। भाभी जी, भाभी जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे टिल्लू भैया, कैसे बा? नमस्ते भाभी जी। हाँ हाँ, खुश रहिए खुश रहिए। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सेठ जी बिल्कुल ठीक ना कर रहे। अरे ये क्या कांड कर दिया हूँ? नवाब वाजिद अली शाह का भूत सवार हो गया उनके सर पर। खोखे पर सारा दिन बैठ के शतरंज खेलते रहे हुए हैं। अरे अब वहाँ भी शुरू हो गए का? शुरू हो गए भाभी जी, अरे ऐसा शुरू हुए हैं कि खत्म होने का नाम ही ना ले रहे। अरे हाँ भाभी जी, कोई भी खोखे पर ग्राहक आता है कच्छा बनिया लेने के लिए, उससे कह रहे हैं कि शतरंज की एक बाजी मेरे साथ खेल लो और आधे दामों पे कच्छा बनिया ले जाओ। लेकिन ऐसे तो पूरा दुकान लूट जाएगा। अरे भाभी जी लूट जाएगा, लूट चुकी है। कम से कम आधा खोखा तो खाली हो चुका है। लेकिन आप उनको रोकते काहे ना आए हैं? अरे भाभी जी, हमने कई बार कोशिश करी रोकने की, लेकिन वो मुझे पकड़ के कहते हैं कि टिल्लू आओ एक शतरंज की बाजी हो जाए। इस चक्कर में 8-10 बाजी तो मैं भी खेल चुका हूँ। लेकिन आप मना काहे ना करते हैं शतरंज खेलने से? अरे भाभी जी, मैं तो मना करूं, लेकिन कमबख्त मारा शतरंज का खेल होवे बड़े मजेदार है, ना चाहते हुए मन करने लगे। हमने तो कुछ समझ ही ना ही आ रहा है कि लड्डू के भैया पर ये शतरंज का लगाम कैसे लगाएं। भाभी जी कुछ करिए, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, वरना कसम से कह रही हूँ भाभी जी, खोखा जो है ना वो शतरंज का अड्डा बन जाएगा। चलता हूँ मैं, नमस्ते। खुश रहिए। पता नहीं क्या होगा यार। लड्डू के भैया का कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा हमको, इनको लाइन पर लाना ही पड़ेगा। अरे भैया ये चूड़ियाँ कितने की थी? 30 रुपए की आती हैं भैया। हेलो अनीता जी। अरे हेलो अंगूरी जी, हाउ आर यू? हम ठीक ना ही बा अनीता जी। सच बताऊं तो ठीक तो मैं भी नहीं हूँ अंगूरी जी। हाँ ये बात भी ठीक है, हम दोनों एक ही आग में तो जल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और उस आग का नाम है शतरंज की आग। हदिया हमको तो ये शतरंज नाम से ही नफरत हो गया है। आपका मतलब है शतरंज? सही पकड़े हैं, ये खेल से ही हमको बहुत चिढ़ हो गया है। बिल्कुल ठीक, मुझे तो इतनी नफरत हो गई है ना इस खेल से कि मेरा बस चले तो मैं इस पूरी दुनिया से इस खेल को बैन कर दूं। आपको पता ना ही है आजकल तो लड्डू के भैया खोखे पर जाकर भी शतरंज ही खेलते रहते हैं। और अंगूरी जी अगर आप विभू की सुनेंगी ना कि वो कहाँ कहाँ शतरंज खेलता है तो आप उछल पड़ेंगी। आइडिया कहाँ कहाँ? आज सुबह विभू बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, मैंने गुस्से में आके बाथरूम का दरवाजा ही तोड़ दिया। पता है मैंने क्या देखा? कि विभू पॉट के ऊपर शतरंज की बाजी बिछा कर बैठा है। आई लड्डू के भैया अभी कुछ कम ना ही है, आपको सुनाते हैं ना का किए। रात को जब हम सो रहे थे ना तो अचानक नींद में ना हमको कुछ गुदगुदी सा लग रहा था पीठ पर। अभी जब हमारा आँख खुला तो हम का देखे कि हमारे पीठ पर पूरे शतरंज के मोहरे बिछाए वो खेल खेल रहे थे। और इन दोनों ने तो ना हद कर दिए हद, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। आई मर्दों का चरित्र तो कभी कभी हमको समझ ही ना ही आता है। बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ये मर्द जात बड़े ही जालिम होते हैं। हे गुलफाम कली, विभू और तिवारी जी ने आपके साथ कोई बदतमीजी की? नहीं नहीं, इन दोनों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हप्पू सिंह, टीका मलखान, प्रेम, इन सब ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। हाय दिया का किए ये लोग? क्या बताएं मोहतरमा, हमारा प्रोग्राम मुफ्त में देखकर चले गए, जब हमने पैसे मांगे तो कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं। अरे ये तो सरासर बदतमीजी है। जी हाँ,
हमने आप दोनों के शौहर से मदद मांगी, उनसे गुजारिश की कि इन्हें किसी भी हाल में समझाकर हमारे पैसे निकलवा दें, लेकिन वो दोनों तो शतरंज खेल रहे थे, इतने मशरूफ थे कि बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। अरे तो आप इन लोगों को डराइए, धमकाइए, सब करके देख लिया, यहाँ तक कि हमारी खुदकुशी तक की धमकी दे दी, कहा कि अगर हमारे पैसे नहीं दिए तो हम गंगा में कूद जाएंगे, फिर हमारी आत्मा आकर आपसे पैसे निकलवाएगी। लेकिन मजाल है उनकी, उन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। गुलफाम कली, आपने मुझे जाने अनजाने में एक बहुत ही कमाल का आइडिया दिया है, जिससे आपके पैसे भी निकल जाएंगे और हमारे पति भी सुधर जाएंगे। कौन सा आइडिया? आप खुदकुशी कर लीजिए। जी मतलब आपकी खुदकुशी हम जाया नहीं होने देंगे। बताओ भैया, फोटो में कैसी कैसी गुलफाम कली मुस्कुरा रही है प्यार से, ऐसो ऐसो लग रहा है जैसे अभी फोटो से बाहर निकल के मुजरा करेगी। अब वो यहाँ कहाँ मुजरा करेगी, अब तो उसका प्रोग्राम ऊपर चल लिया होगा। सही कही यार, पूरे कानपुर में बस एक ही तो मनोरंजन को साधन है, तो हमाओ अचानक से आखन से ओझल हो गए। अगर इतनी याद आ रही है तो आप भी ऊपर चले जाइए। दरोगा जी एक बात कहें आपसे, वैसे वो आत्महत्या करने वाली पार्टी तो ना लगती थी। सही कह रहे हो जालिम, वो आत्महत्या करवाने वाली पार्टी थी। अरे मेरी तो दुनिया ही उजाड़ कर चले गई कमबख्त, जाओ कोई उसकी बॉडी ले आओ। तो तुम का ससुर बाकी लाश से मुजरा करवाओगे? ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसके आखिरी बार दीदार करना चाहता हूँ। तुम गुइया दीदार कर लो बाको, गंगा में डूब के मरिए बा, पता नहीं ससुर लाश कहाँ बह के कहाँ चली गई होगी। तिवारी जी, ये रही मेरी ऊंट की चाल। आपका ऊंट अब हमारे खेमे में है, बच के जा नहीं पाएगा। देखिए अनीता जी, देखिए ये दोनों तो यहाँ भी शतरंज में ही लगे हुए हैं। ये लीजिए, इनके शतरंज का पुलिंदा तो अब बंधेगा। आप सभी महानुभवों से प्रार्थना है कि स्वर्गीय कुमारी गुलफाम कली के विषय में दो दो शब्द कहें। कमिश्नर साहब, आप ही से शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुलफाम कली के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक कमाल की औरत थी। तपती गर्मी में भी वो ठंडी हवा का झोंका थी। उसकी आवाज़ में जादू था, उसकी आँखों में एक नशा था, उसकी सांसों में खुशबू थी। ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमारा रोंगटे खड़े कर रहे हैं। भगवान उस हसीन औरत की आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति। मैं बयान नहीं कर सकता हूं गुलफाम कली मेरे लिए क्या थी। वो सबसे पहले जब कानपुर में आई थी ना, तो सबसे पहले वो मुझसे मिली थी। हाँ, और उसे कोठे के लिए भी पैसे मैंने ही दिए थे, और पूरे कानपुर में उसकी पब्लिसिटी भी मैं ही करता था।
और मैं लोगों को जबरदस्ती कोठे पे ले जाता था, और जो कोई कोठे पे नहीं जाता था ना, तो मैं उसे ब्लैकमेल करता था। तुम यार, तुम ससुर श्रद्धांजलि दे रहे हो कि अपने गुनाह कबूल कर रहे हो? हम उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि वो अच्छी औरत थी या खराब औरत थी हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें संस्कार नाम का चीज नहीं था। उसकी आत्मा को शांति दें। गुलफाम खली बहुत ही अच्छी नचनिया थी। जैसे तैसे मैं अपने कंजूस और लीचर सेठ से तनख्वाह निकाल के लाता था ना, वो सारी की सारी गुलफाम खली लील जाती थी। और अब भगवान ने उसे लील लिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अरे मैं क्या कहूँ अपनी प्यारी गुलफाम आपा के बारे में। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी आपा की मौत नहीं हुई है, जिंदा है वो। हाँ। और अगर मौत नहीं हुई है, जिंदा है, तो क्या श्रद्धांजलि देनी? नहीं देता श्रद्धांजलि, आई डोंट लाइक इट। पगला है ससुर। गुलफाम कली बहुत ही अच्छा नाचती है थी, और वहां को एक एक ठुमका 1,00,000 रुपयों को तो। जब भी कोई लौंडिया हम दोनों को धोखा देती थी, तो हम यही कोठे पर गुलफाम कली के पास में आ जाते थे, और नहा पे आके ना अपने सारे दुख दर्द भूल जाते थे। भगवान बाकी आत्मा को शांति दे। अरे दादा, अरे अब हम क्या कहें? मत बोलो। गुलफाम कली की लाने कब भूले ससुर? गुलफाम कली बड़े हुस्न वाली औरत हती। हमें हमें बहुत पसंद करती थी। बड़ो अच्छो साथ रहो हमो। जई की लाने हम बाकी जलेबी लेके जाते थे। और गुलफाम कली जलेबी के साथ पहले खेलती थी, फिर बड़े चाव से जलेबी खाती थी। सब गुलफाम कली को जलेबी बहुत पसंद थी। उसे कलाकंद पसंद था। आप जो अपना कलाकंद भी लेके जाते थे? ना ना साहब, गुलफाम कली को जलेबी पसंद थी। हमने कई बार मतलब कई बार हमने कहा ना, कलाकंद मतलब कलाकंद, कलाकंद। ना तो उसे जलेबी पसंद थी, न कलाकंद पसंद था, उसे तो काला जामुन पसंद था। हाँ, और मैं अक्सर उसके लिए काला जामुन लेके जाता था, जो आज भी लाया हूँ। हाँ। नाना भैया, वाको तो मलाई पेड़ों पसंद है तो। हाँ, और वाह मलाई पेड़ा ना बड़े चाव से खाती थी। हम एक बार उसके लिए आगरा का पेठा लेके गए थे, खुशी के मारे पागल होकर उसने पेठे को गले लगा लिया। भाई उसको हर तरह की मिठाई पसंद थी। She was into variety।
ऑफ स्वीट्स। भैया भगवान जा चटोरी आत्मा को शांति दे। गोरी में भाभी अंगूरी, ऐसे टाइम पे आप भी तो कछु बोलो अपने मुंह से। गुलफाम कली, आप जैसे मर्दों की सताई हुई औरत थी। हाँ, और ऐसी औरत जब मरती है ना तो उसकी आत्मा को शांति बिल्कुल ना ही मिलता है। उसकी आत्मा भटकती है और उसकी आत्मा उन सबको सबक सिखाती है जिस जिसने उसे परेशान किया। अरे यार जी, श्रद्धांजलि दे रही हैं कि डरा रही हैं? अब भगवान उनकी आत्मा को शांति ना ही दे। अब कमीना, तुम दोनों शतरंजी खेलोगे या गुलफाम कली के बारे में दो शब्द बोलोगे भी है? चलिए तिवारी जी, कुछ बोल देते। चलिए। गुलफाम कली शतरंज की वो बेगम थी जिसने मोहल्ले के सारे लौंडों को अपने शिकंजे में जकड़ रखा था। फिर चाहे वो सिपाही हो या वजीर, वो हमेशा ढाई घर चलती थी। उसकी हर चाल बहुत ही शातिराना थी। उसकी चाल से सामने वाले खिलाड़ी की मात निश्चित थी और इसीलिए आज मौत ने उसे मात दे दी। चेकमेट, रेस्ट इन पीस। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे यूं ही तसव्वुरे जाना किए हुए। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी कभी मैसर नहीं इंसान होना। बाजी चैतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबरोज तमाशा मेरे आगे। मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। तिवारी जी, ये शेर उशारे का शौक कब से हो गया आपको? जहां तक हमारी जानकारी है, आपका शेर व शायरी से तो दूर दूर तक कोई राबता नहीं रहा। हाँ, वैसे शेर व शायरी में हमारी कोई विशेष दिलचस्पी तो नहीं रही, लेकिन जब से शतरंज खेलना शुरू किया है तो शायरी अच्छी लगने लगी है। माफी चाहूंगा, जब आप शेर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घोड़े को देख के मेंढक ने भी नाल ठुकवा ली हो। माफी चाहूंगा।
ए पागल प्रवेश, रेडी रहना, भाभी मां निकलने वाली है। हैं? वैसे नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शतरंज और शेर व शायरी के दौर चला करते थे। लोग कहते हैं कि हफ्तों हफ्तों शतरंज खेली जाती थी और शेर व शायरी के दौर चलते थे। तो फिर नित्य क्रियाएं कब किया करते थे? दे दे दे, लुबान दे, लुबान, लुबान, दे। आ, छोटी बात कर देते। एक्चुअली इस बात का तवारीख में कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, आई लाइक इट। देख तो दिल की जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है? कहीं किसी ने कूड़ा करकट जलाया होगा, बस धुआं वहीं से उठ रहा होगा।